हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस पर और मैं अभिषेक राजपूत। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 देखेंगे जिसपे हम लोग विभाजन सूत्र दिया हुआ और मध्य बिंदु सूत्र द्वारा एक्सरसाइज बनेगा। तो ऑल क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ हम लोग देखते हैं, आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए एक्सरसाइज 7.2 में सबसे पहला क्वेश्चन जो है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है। जब भी क्वेश्चन रहेगा यहाँ 2:3 विभाजित करने वाला क्वेश्चन, तो समझ जाएंगे ऐसा क्वेश्चन विभाजन सूत्र लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले यहाँ तीन बिंदु रहेगा, जैसे हम ले लिए एक रेखा ले लिए तो इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम बी दे दिए, बीच में इसका बिंदु है सी। ये जो है एम अनुपात एन में विभाजित करता है इसको, कितना अनुपात विभाजित करता है एम अनुपात एन में। एम का वैल्यू देखिए कुछ दिया है 2 दिया है, एन का वैल्यू क्या दिया है 3 दिया है। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, मान लीजिए कि बिंदु सी के निर्देशांक, बिंदु सी के निर्देशांक हम लोग क्या मानते हैं एक्स वाई, बिंदु के सी के निर्देशांक एक्स वाई रेखाखंड, रेखाखंड क्या है ए बी, रेखाखंड ए बी को एम अनुपात एन, इसका मतलब क्या होता है अनुपात, एम अनुपात एन में विभाजित करता है। ठीक है, सबसे पहले ये लिखेंगे एम अनुपात एन विभाजित करता है तो एम अनुपात एन हमको कितना दिया है क्वेश्चन में, देखिए 2:3। ठीक है, अब यहां पे ए बिंदु जो है वो कितना है, देखिए ए बिंदु पहला बिंदु है -1, 7 और जो दूसरा बिंदु है ये बी मान लिए इसका है 4, -3 और इसको एक्स वाई मान लिए। तो आप लोग जानते हैं कि दूरी सूत्र में पहला पॉइंट को हम लोग x1 y1 बोलते हैं, दूसरा पॉइंट को हम लोग x2 y2 बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ विभाजन सूत्र लगाते हैं, तो विभाजन सूत्र से बिंदु सी के निर्देशांक, तो विभाजन सूत्र से बिंदु सी के निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो अगर एक्स का फॉर्मूला लिखे, एक्स का वैल्यू निकाले, तो देखिए सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ये देखिए कोना कोनी गुना, ये कोना कोनी गुना, एम को किससे गुना करेंगे पहले x2 से, तो क्या फॉर्मूला बनेगा m x2, फिर अंदर की ओर जाएंगे तब प्लस करेंगे। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे n x1, पहले x वाला दोनों को लेते n x1। ठीक है, और दोनों जो अनुपात दिया हुआ ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे, m प्लस n, ये दोनों को हम लोग क्या कर दिए प्लस कर दिए। आप देखिए x बराबर m, m का वैल्यू देखिए x इक्वल टू m, m का देखिए वैल्यू यहाँ 2 है तो m इक्वल टू, और x2 देखिए मेरा क्या है 4, तो 2 × 4 प्लस n कितना है मेरा 3 गुना x1, x1 मेरा कितना है -1, अब आई m प्लस n 2 + 3, तो x इक्वल टू 4 × 2 = 8 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 3 × 1 कितना हुआ 3/5, 8 में से 3 गया क्या होता है 5/5, तो कट कितना कैंसिल करके 1, एक्स का वैल्यू कितना निकल गया 1, और हमको वाई का वैल्यू निकालना है तो वाई का फॉर्मूला लिखेंगे वाई इक्वल टू एम वाई 2 प्लस एन वाई 1 और एम प्लस एन, वैसा ही फिर से एम का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 × y2, वाई 2 देखिए कितना है -3 प्लस एन वाई 1, एन कितना है देखिए 3, n2 y1 देखिए कितना है मेरा 7, m प्लस n फिर से 2 + 3, तो 2 3 × 2 = 6 - 6 + 21
इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, 21 में से 6 गया कितना होगा 15/5, कैंसिल होगा कितना आएगा 3। तो सी का जो है बिंदु का निर्देशांक क्या क्या मेरा आ गया, एक 1 आ गया और क्या आएगा मेरा आंसर 3, 1, 3। तो ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 नंबर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू हम लोग देखते हैं, बिंदुओं 4-1 और -2-3 को जोड़ने वाले रेखा कौन को सम त्रिविभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या थे। त्रिविभाजित मतलब हुआ 3 बार काटना। जैसे हम एक रेखा लेते हैं, ये हम रेखा खींचे, ठीक है, तो ये इसका नाम दे दिए सबसे पहले ए, इसका नाम दिए बी। आप देखिए कोई भी चीज को 2 बार अगर काटते हैं तीसरा बॉक्स तो खुल पहुंचा 1, 2, 3, 3 बार त्रिभाजित मतलब 3 बार, 3 हो गया 1, 2, 3, ठीक है, 2 बार काटेंगे तीसरा बार खुद बन जाता है बॉक्स। तो ये जो इसका नाम दे देते हैं हम लोग पी, इसका नाम दे देते हैं क्यू। इसी का पी और क्यू का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए हम लोग लिखते हैं कुछ स्टेटमेंट, कुछ भाषा लिखते हैं। तो मान लीजिए कि दिए गए निर्देशांक क्या क्या दिया हुआ है हमको, 4-1 और क्या दिया है और -2-3, दिए गए निर्देशांक 4-1 और -2-3 क्रमश ए और बी के हैं, अब देखिए हम मान लिए कि ये जो बिंदु 2 दिया हुआ है इसको ए मान लिए, इसको हम लोग बी मान लिए। तो पहला बिंदु ए है, इसका क्या मान लिए 4-1 को ए, दूसरा बिंदु क्या मान लिए -2-3, ठीक है, ये 2 बिंदु हो गया। अब देखिए ये जो सम त्रिभाजित, सम मतलब सब सबको बराबर भागों में बांटती है, मतलब बराबर भागों मतलब क्या हुआ कि ए पी जो है ये बराबर है किसका, पी क्यू का, और बराबर है ये क्यू बी का, तीनों बराबर है। तो अगर मान के चलिए एक है इसका वैल्यू, तो ये भी एक होगा, इसका भी वैल्यू और इसका भी वैल्यू क्या होगा एक, तीनों कितना है एक एक है, ठीक है, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, त्रिविभाजित मतलब तीनों बराबर भागों में बटेगा। तो अगर इसको एक मान ली, ये भी एक होगा, ये भी एक होगा, ठीक है। अब देखिए हमको तो पी का निर्देशांक निकालना और क्यू का, ठीक है, तो रेखाखंड कौन सा रेखाखंड है, रेखाखंड ए बी को 2 बिंदुओं, सॉरी रेखाखंड ए बी पर 2 बिंदुओं P और Q स्थित है, P और Q इस प्रकार स्थित है कि इसका वैल्यू क्या है बराबर है, क्या है AP बराबर है PQ का, बराबर है क्यू बी का, ये तीनों क्या बराबर है, इसका वैल्यू हम क्या मान लिए 1 मान लिए, ठीक है, सभी का वैल्यू तीनों किसके बराबर है 1 के बराबर है, ठीक है। अब हमको तो सिर्फ विभाजन सूत्र से पी का निर्देशांक मान लेना है, क्यू का निर्देशांक, तो हम लोग पी के निर्देशांक को क्या मान लेते हैं, पी के निर्देशांक हम लोग निकालते हैं
तो पी का निर्देशांक यहाँ देखिए डायरेक्ट इसका निकालते हैं, पी का निर्देशांक बराबर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एम वाई टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, इधर हो जाएगा एम प्लस एन, ये हो गया एक। और दूसरा सूत्र इसका क्या हो जाएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन एम प्लस एन वाई वन एम प्लस एन, ये हो गया विभाजन सूत्र। ठीक है, पी का निर्देशांक निकालते विभाजन सूत्र निकलेगा। अब देखिए बिंदु पी जो है इसका जो अनुपात होगा ये क्या होगा, तो एपी देखिए एपी क्या है वन है, और एपी के बाद जो है पीबी, पीबी कितना है मेरा वन और वन कितना हो टू, इसका अनुपात क्या होगा एम अनुपात एन क्या हो जाएगा एपी बटे पीबी का अनुपात क्या होगा एक अनुपात तीन। अब अनुपात मालूम चल गया हमको, अब सूत्र में क्या कर दें हम लोग बैठा देंगे, तो एम एम का देखिए वैल्यू कितना है मेरा एम का क्या वैल्यू एम का वन है तो वन लिख दिए इनटू एक्स टू, इसको एक्स वन वाई वन मानेंगे, इसको एक्स टू वाई टू मानेंगे। तो एक्स टू देखिए कितना है माइनस टू प्लस एन एक्स वन, एन कितना है थ्री सॉरी वन अनुपात टू होगा, एन कितना है टू इंटू एक्स वन, एक्स वन कितना है फोर टू इंटू फोर एम प्लस एन वन प्लस टू। ठीक है, वैसे ही देखिए एम वाई टू, एम कितना है एम कितना है वन इंटू वाई टू, वाई टू देखिए कितना है माइनस थ्री प्लस एन, एन कितना है मेरा वन वन टू टू इंटू वाई वन, वाई वन कितना है मेरा माइनस वन, फिर से वन प्लस टू कोई दिक्कत। अब देखिए माइनस टू इंटू वन क्या होता है माइनस टू प्लस फोर टू जा एट कितना होगा थ्री, और एट में से टू गया कितना होगा सिक्स, सिक्स वाई थ्री। फिर इधर देखिए थ्री इंटू माइनस वन थ्री माइनस थ्री इंटू वन माइनस थ्री प्लस प्लस माइनस माइनस टू इंटू माइनस वन माइनस टू बाई क्या होगा टू वन थ्री, तो क्या हो जाएगा थ्री टू जा सिक्स कट गया ये, इधर क्या हो जाएगा माइनस फाइव बाई थ्री। तो जो है मेरा पी पॉइंट का क्या निकल गया, एक तो टू निकला दूसरा क्या निकला माइनस फाइव बाई थ्री, ये पी पॉइंट का हमको बिंदु निकल गया। अब हम लोग क्यू पॉइंट का बिंदु निकालेंगे। ठीक है, तो क्यू पॉइंट का जब निकालेंगे तो क्यू का भी वैसा ही निकालेंगे यही फॉर्मूला पे, एम वाई टू प्लस सॉरी एक्स टू प्लस एन वाई वन एम प्लस एन, अब फिर से एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन। अब क्यू पॉइंट का अनुपात देखिए क्या होगा, तो क्यू पॉइंट यहां है, इससे पहले देखिए कितना है दो, इसके बाद कितना है वन, तो एम का मान इसमें दो हो जाएगा एन का मान वन हो जाएगा, तो एम अनुपात एन जो है वो क्या हो जाएगा दो अनुपात एक। ठीक है, तो एम का वैल्यू दो हो गया इंटू एक्स टू कितना हो गया माइनस टू प्लस एन वाई वन, एन वन हो गया वाई वन कितना हो गया मेरा वाई वन सॉरी यहाँ पे एक्स वन होगा एक्स वन, एक्स वन कितना हो गया मेरा फोर, यहाँ फोर हो गया, फिर नीचे एम प्लस एन टू प्लस वन। ठीक है, अब एम वाई टू, एम कितना वैल्यू एम का मेरा टू है, टू इंटू वाई टू, वाई टू कितना है माइनस थ्री प्लस एन वाई वन, एन कितना है वन, वाई वन कितना है माइनस वन, तो वन इंटू माइनस वन वाई टू प्लस वन। अब टू इंटू टू कितना हो गया माइनस फोर प्लस फोर बाई थ्री, और नीचे टू थ्री जा सिक्स माइनस सिक्स प्लस माइनस माइनस वन बाई थ्री। ठीक है, सिक्स अब माइनस फोर प्लस फोर कट गया जीरो बाई थ्री, इधर क्या होगा माइनस सेवन बाई थ्री, तो क्या हो जाएगा मेरा जीरो बाई थ्री जीरो हो गया, इधर माइनस सेवन बाई थ्री। ठीक है, तो हमको पी का निकालना था निर्देशांक और हमको क्यू का निर्देशांक निकालना था, तो पी का निर्देशांक आया मैं टू माइनस फाइव बाई थ्री,
और Q का जब हम लोग निर्देशांक निकाले तो मेरा क्या आया -7/3, 0, -7/3। तो दोनों का निर्देशांक हमको मालूम चल गया। तो आप लोग समझ गए इसमें था बिंदु P के पहले क्या था 1, तो ये 1 रेशियो कितना हो गया 2, तो M अनुपात N का क्या हो गया P पॉइंट 1:2, और इसका Q का क्या हो गया इससे पहले कितना था बिंदु 1:1:2, क्या हो गया M अनुपात N कितना हो गया 2:1। उसके बाद क्या किए हम लोग इस पे विभाजन सूत्र लगाए, विभाजन सूत्र से हम लोग इस पे क्या किए वैल्यू को बैठा के उसके बाद हम लोग आंसर क्या किए निकाल दिए। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए।